कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत ने दिखा दिया कि विकास के दावे झूठे हों तो बजरंगबली और भगवान राम भी आपको बचा नहीं सकते। दोस्तों, पीएम मोदी सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में जमकर वोट मांगे। पीएम की रैलियों में तो बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान जी की वेशभूषा में आ गए। खुद पीएम मोदी ने दोनों मुट्ठियां भांजकर जोर जोर से बजरंगबली के नारे लगवाए। लेकिन अब नतीजों में बीजेपी की बुरी हार के बाद प्रियंका गांधी ने बजरंगबली के नाम पर पीएम को आईना दिखा दिया। इधर कर्नाटक में बीजेपी फिसले जा रही थी और उधर प्रियंका गांधी हिमाचल में बजरंगबली के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गई। मंदिर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इन तस्वीरों ने ही सब कुछ कह दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो अपने दफ्तर में बजरंगबली को लड्डू खिला दिए। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी जय बजरंगबली लिख राहुल गांधी की गदा वाली ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर दी। दोस्तों, प्रियंका गांधी का जीत के बाद बजरंगबली के मंदिर जाना सीधे पीएम मोदी को संदेश देता है कि हनुमान जी की भक्ति तो हम भी करते हैं, लेकिन बजरंग दल को बजरंगबली नहीं मानते। दोस्तों, इस पूरे चुनाव को पीएम मोदी बजरंगबली के सहारे जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर गए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने कर्नाटक में गढ़ जमाकर पीएम मोदी के बजरंगबली के नारे का जवाब दिया, जय बजरंगबली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली से। यही नहीं, पीएम मोदी ने कर्नाटक में जब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि देखिए मुझे कांग्रेस से इतनी गालियां पड़ती हैं, उतनी गालियां पड़ती हैं, उस पर भी उन्हें तगड़ा जवाब मिला। दोस्तों, पीएम मोदी ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक रैली में कहा कि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गालियां दी हैं। तब प्रियंका गांधी ने पीएम को जवाब दिया था कि हमने ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो रोता रहता है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस बात के बाद सोशल मीडिया में क्राई पीएम ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, कर्नाटक में पीएम मोदी के सहारे बीजेपी ने ध्रुवीकरण के सारे दांव चले। अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राज्य में दंगे हो जाएंगे। लेकिन न केवल चुनाव के दौरान बल्कि नतीजों के बाद भी जिस तरह से प्रियंका गांधी पीएम मोदी को जवाब दे रही है, वो न केवल कांग्रेस के भविष्य की रणनीति दिखाता है बल्कि कर्नाटक में उसके संगठन ने जो बेहतरीन काम किया है वो भी एक तरह से उदाहरण के तौर पर पेश करता है। आप पीएम मोदी को प्रियंका गांधी के ऐसे जवाब देने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें। इसी के जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करेंगे।